हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में ईयरफोन या हेडफोन शो कर रहा है ऊपर, तो कैसे आप इसे हटाएंगे। देखिए, मेरे में शो कर रहा है क्योंकि मैं कनेक्ट करके अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस, कुछ तरीका बताऊँगा जिसकी मदद से आप इसे हटा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए, जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इसे आपको 5 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ मोबाइल में रिबूट भी लिखकर आता है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए, जैसे क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक कर देंगे, फ़ोन रीस्टार्ट होकर खुल जाएगा, अपने आप ही स्विच ऑफ होगा, फिर खुल जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। अब देखिए, कुछ मोबाइल में ऊपर की तरफ स्लाइड करने का भी ऑप्शन आता है, हमारे फ़ोन में टैप करने का आ रहा है, कुछ फ़ोन में ऊपर की तरफ इस तरह स्लाइड करेंगे तो आ जाएगा और आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा सही। अगर इस तरीके से सही नहीं होता है, तो फिर आपको क्या करना है, एक ईयरफोन ले लेना है। ईयरफोन को हेडफोन जैक में लगाना है, जहाँ पर ईयरफोन लगाते हैं वहाँ पर लगाना है। ईयरफोन को थोड़ा टाइट करके लगाना, और फिर लगाने के बाद आपको 2 से 3 बार दोनों तरफ घुमाना है, नीचे ऊपर दोनों तरफ आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आपको झटके से उसे बाहर निकाल लेना है। ऐसा करने से अगर उसमें धूल मिट्टी कुछ लगा रहेगा तो वो निकल जाएगा और जो ये प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी नहीं होगा, तो फिर आप किसी नुकीली चीज़ को ले लेना और उसके अंदर आप सबसे पहले चेक कर लेना कि उसमें धूल मिट्टी तो नहीं है। अगर रहेगी तो आप किसी नुकीली चीज़ से उसे साफ़ कर लेना, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना। जैसे ही साफ़ कर लेते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। ये भी आसान तरीका है गाइस। अगर इन सब तरीक़ों से सही नहीं होता है, तो फिर आपको किसी सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा या मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर दिखाएंगे। अगर आप सही तरीके से साफ़ नहीं किए रहेंगे तो साफ़ कर देगा और आपके फ़ोन को सही करके दे देगा, नहीं तो बता देगा कि ख़राब हो गया है, फिर आप अपने हिसाब से उसे बनवा सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।